देखो, मेरा तो ये पेशा नहीं है, मैं तो एक उद्योगपति बोले तो मिलर का काम करता हूँ। हाँ, मिलर से मेरा वास्तव, ये कोई वास्तव नहीं था, मगर के लक्ष्मण मोरे जी वो तो 20 साल से इस लाइन में है और उसको अभी यश संपादन नहीं हुआ। तो मैं भी चाह कि मैं तो सोशल वर्क में ज़्यादा हूँ, भले मैं व्यवसाय में बांधकाम करता हूँ, मगर मेरा सोशल वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। कोई भी गरजू कोई भी मेरे पास आवे वो फिर वापस नहीं जाए, ये मेरा नेचर है। और ऐसे टाइम में मोरे साहब मुझे मिले कि वसंत जी कि मुझे कुछ तो हेल्प करो, कि मैं 20-22 साल से इस व्यवसाय में है मगर कोई नहीं, मेरे को सक्सेसफुल नहीं हो गया, तो आपकी कृपा रहे कि मेरे पीछे कोई भगवान के सरे का खड़ा रहो कि यानी मुझे आगे जाने का मौका मिले। तो मैं उनको बोला कि आप कोई किसी बात का डर मत करो, जो भी है मैं हूँ, आपके पीछे हूँ, कोई घबराने का नहीं, कोई डरने का नहीं, जो भी है जो भी लगेगा कुछ किसी कोई भी वो मेरे देने को तैयार है आपके पास। और ये मेरे तो फाइनेंसर आप जुड़े हुए? हाँ, फाइनेंसर के रूप में मैं उनके पीछे हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैं काम किया हूँ, एक ट्रस्टी विद्यालय का मैं ट्रस्टी करके काम किया हूँ। कि विद्यालय ट्रस्टी बोलेगा तो कैसे, जिस स्टूडेंट को कोई माँ बाप यानी बहुत ही गरीब है, गरीब का गरीब, उसके लिए आगे बढ़ाना, उसको कुछ सब कुछ देना, ये मैं मेरा काम है। इस पिक्चर में वही काम आधा रोल किया है ट्रस्टी का। बात करें मला आई पाहिजे, हाँ, तो क्या है इसके बारे में थोड़ा? मला आई पाहिजे ह्या चित्रपटामध्ये काय आहे कि ह्या चित्रपटाबद्दल सांगायचं म्हणजे की ही गाणी आपण हिंदीमध्ये, हां हिंदीमध्ये बोलायचं, हां एक मिनट, इस पिक्चर की कहानी के बारे में बोला जाता तो ये है कि इसे बहुत कुछ सीखना है। हाँ, इसमें एक गरीब लड़का रहता है, गरीब लड़का रहता है, उसके माँ बाप जैसे वो बेचारे पहले तक पढ़ता है उसी टाइम में उनके माँ बाप गुजर जाते हैं और कोई उसको आशा चाह रहता ही नहीं। वो ऐसे महाविद्यालय जिसमें मैं ट्रस्टी हूँ वो विद्यालय में पढ़ता है, तो मैं उसे तो शिक्षिका अगर मेरे पास लेके आते हैं कि सर ये बच्चा बहुत होशियार है, बहुत आगे जाने वाला है, तो उसके लिए कुछ तो आप करो। तो मैं बोला जी चाहे उसको जो भी मदद लगेगा मैं करूँगा। तो वो भी खुश हो गया और वो ऐसे काम पे लगा कि उसने, और उस टाइम उसकी माँ गुजर गई, उसके उसने माँ ने उसको ऐसे सिखल दी कि बेटा ये गाना जो जैसे उसमें गाना है कि विद्यालय ये संस्कार अच्छे पवित्र मंदिर है, ये जो गाना है उसे माँ ने उसको पहले दिया था कि बेटा ये गाना ये संस्कार तुम बहुत अच्छा रहो, अच्छा तुम भी खूब अच्छा रहो और लोगों को भी तुम अच्छा करो, दूसरे को भी अच्छा देखो, यही मेरा तेरे पीछे यही मेरा ये है, दूसरा कुछ नहीं। सर जी बात करें पोस्टर में जैसे पीछे दिख रहे मिलिंद गुनाजी भी हैं, तो उनका क्या किरदार है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये मिलिंद गुनाजी ये वही लड़का उसके पिताजी रहते हैं और निशिकंदा बार उसकी माँ होती है। तो ये दोनों भी ये ऐसे इसमें वो गुजर जाते हैं दोनों एक्सीडेंट में, तो उसके बाद में तो वही अकेला लड़का रहता है ऐसे। हाँ हाँ दूसरा भी हाँ जुड़े हुए हैं, उसका थट्टा उसका नाम ये जो फिल्म मला आई पाहिजे ये तो दिसंबर के पहले वीक में शायद रिलीज हो जाएगा। और इसके गाने वाने की बात करें तो किसने गाने किए हैं और कितने गाने हैं और किसके ऊपर? इसमें कम से कम 6-7 गाने हैं, बहुत ही अच्छे गाने हैं। ये तो विद्यालय के ऊपर मैं तो बोलता हूँ कि हर स्कूल में जब प्रार्थना होती है उसके बाद में तो ये गाना लेना चाहिए। मैं तो एक मुख्यमंत्री से विनती करूँगा कि ये जो गाना है कि ये प्रार्थना प्रेयर के बाद में ये गाना लेना चाहिए कि सभी लोगों को सभी बच्चे लोगों को ये आज तो बहुत गरज है, क्योंकि ये आधुनिकते के ऊपर जाए तो लोग सब संस्कृति भूल गए हैं, सब लड़के लोग संस्कृति भूल गए क्या बोलते हैं। तो ये संस्कार ये पिक्चर है ये इतने संस्कार देने वाला है कि लाजवाब कि आज का ये तरुण पीढ़ी ये तो मैं तो बोलता हूँ जो 100% सुधरना सुधरेंगे इसमें कोई शक नहीं है ऐसे।